नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलाई बिजनेस के बारे में। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कम खर्च में और बहुत बढ़िया चलने वाला बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। समझ में आ गया? देखिए, सिलाई बिजनेस एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। मैंने भी मार्केट में दुकान खोला था मोबाइल का, तो मैं भी मार्केट में रह चुका हूँ 5 साल, तो मैं जानता हूँ कि मार्केट में कौन सा बिजनेस बढ़िया चलता है। मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोला था और उसमें बहुत बढ़िया कमाई हुआ था। समझ में आ गया? उसके बाद मैंने डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस स्टार्ट किया, बेकरी का भी बिजनेस करता हूँ और यूट्यूब पर वीडियो भी मैं बनाता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग देखते हैं। तो देखिए, सिलाई बिजनेस एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप बढ़िया मार्केट पकड़िए और वहाँ पर आप रूम लीजिए। रूम लेने के बाद में आपको, अगर आप जैसे बड़े लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तब तो आपको ज़्यादा मशीन रखना होगा, और आप अगर शुरुआत कम खर्च से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बढ़िया कारीगर पकड़िए। आपने अगर एक विश्वासपात्र बढ़िया कारीगर अगर पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि आपका सिलाई बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि आपने एक कारीगर पकड़ा, वो अपने साथ साथ 2 से 3 हेल्पर लाएगा। समझ में आ गया? वही अपना कारीगर भी लाता रहेगा। और आप रूम लेना है आपको, रूम लेने के बाद में 3 से 4 आप मशीन बैठा लीजिए और उसमें काम करिए। देखिए, जैसे जब लगन आता है तो बहुत ज़्यादा आपके पास काम रहेगा सिलाई के लिए। समझ में आ गया? और जब लगन खत्म हो जाता है तो उतना काम नहीं रहता है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई स्कूल हो गया, वहाँ पर जैसे ड्रेस बनता है, आप स्कूल से बात कर सकते हैं। जब आपका निठाला रहे, कमाई न रहे, तो आप वहाँ पर उनसे आप काम ले सकते हैं, ड्रेस हो गया। और उसके बाद अपना एक जैसे लोअर वाला काम कर सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे आपका जब कमाई न रहे ज़्यादा दुकान से, तो आप अपना यह सब काम कर सकते हैं, जैसे लोअर बनता है आप बनवा सकते हैं। उसके बाद जब ठंड का मौसम आएगा तो अपने आप सेल कर सकते हैं। ठंड में, गर्मी में, दोनों समय में भी यह समय लोअर बहुत आसानी से बिक जाता है। तो यही सब बात है। सिलाई मशीन आपको लेना होगा और उसके बाद रूम लेना होगा, और थोड़ा अपना जैसे आप दुकान बनवाइए, थोड़ा VIP कांच ओच लगा कर, जिससे यह लगे कि बहुत बढ़िया दुकान है। और शिकायत वाला इसमें काम न रहे, जैसे आप कोई भी काम करिए उसमें शिकायत जब आएगा तब आपका नाम बदनाम हो जाएगा। यह तो हो गया इसका। अब मान लीजिए आपको कारीगर को सैलरी पर रखना है या शेयर पर रखना है। तो देखिए, सैलरी पर रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि आपका नुकसान भी हो सकता है। और कारीगर सैलरी पर अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत से कारीगर यही रहते हैं कि 50% का काम होता है। जैसे सैलून का बिजनेस हो गया, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर यही सब है कि कोई भी कारीगर रहता है वह 50% पर काम करता है। समझ में आ गया? जैसे आपका जितना भी पूंजी लगा है, जैसे एक कपड़ा सिला गया, उसके बाद उसमें से जितना भी पूंजी लगा है वो अपना निकाल लीजिए, और जितना प्रॉफिट है उसमें से 50% आपको कारीगर को देना होगा और 50% अपने रखना होगा। तो देखिए, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं हवा में तीर नहीं मारता। समझ में आ गया? मैंने जो अनुभव किया है, देखा है, वही सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।